कोयले से बनने वाली बिजली का विकल्प है सौर ऊर्जा। देश में इन दिनों कोयले का अकाल पड़ता जा रहा है। कोयले से संचालित होने वाले संसाधन एवं व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ रही है। आपको बता दें कि देश में हालत ये है कि कई ट्रेनें निरस्त करनी पड़ रही हैं, फिर भी समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाले एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तो कई सोलर पावर प्लांट लगने की नींव पड़ रही है, लेकिन रीवा के गुढ़ स्थित बदवार पहाड़ में 4,500 करोड़ की कीमत से बने 750 मेगावाट क्षमता वाला सोलर प्लांट, जो उन दिनों एशिया का इकलौता था, आज वरदान साबित हो रहा है। 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुढ़ स्थित सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। आज देश की राजधानी दिल्ली के मेट्रो को 22% बिजली आपूर्ति यहीं से होती है। आज जब कोयले के लिए हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में सोलर एनर्जी वरदान से कम नहीं है, और आने वाले समय में कार से लेकर घर और कारखाने उद्योग इसी ऊर्जा से संचालित होंगे। आपको बता दें कि कोयले के विकल्प के रूप में सौर एनर्जी को लेकर जब सिटी न्यूज वैन की टीम ने अक्षय ऊर्जा अधिकारी उपजीत सिंह अरोरा से चर्चा की, तो उन्होंने इसे बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में एक बार खर्चा जरूर पड़ता है, परंतु हमेशा के लिए विद्युत अव्यवस्था एवं बिजली बिल से मुक्ति मिल जाती है। प्रस्तुत है जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी उपजीत सिंह अरोरा से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी क्या स्थिति, आने वाले समय में कैसी क्या चीजें रहेंगी इस डिपेंड? देखिए, आने वाले समय में हम लोग बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंट होने वाले हैं, और इसलिए शासन ने भी अब आज ही कैबिनेट का मेरे पास वो आया है डिटेल कि कैबिनेट ने 1250 मेगावाट के लिए स्वीकृति दी है कि वो 1250 मेगावाट सोलर से जनरेट करेंगे। आपको इसकी जानकारी ऑलरेडी है कि हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है 750 मेगावाट का। ये जब लगा था उस समय 750 मेगावाट एक जगह पे लगने वाला एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था। इससे जो जनरेट हो रही है ऊर्जा, उसको हम लोग दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में सोलर मेट्रो जो योजना है उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। बाकी जो खपत है वो हमारे डिपार्टमेंट को मिल रही है, डिपार्टमेंट मतलब विद्युत विभाग को मिल रही है। तो आने वाले समय में हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि लगभग प्रत्येक घर पे, प्रत्येक छत के ऊपर ये सिस्टम पहुँचे। हालांकि उसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन समय लगेगा। छोटे संयंत्रों में भी समय लगेगा, बड़े संयंत्रों में हम लोग हर जितनी शासकीय बिल्डिंग्स हैं, अस्पताल हैं, इन जगहों पे पहले कंसंट्रेट कर रहे हैं। चाहूँगा कि इसमें दरों का नहीं रहता है, एक नेट मीटर लगता है। जैसे घरों में संयंत्र लगा, घरों में आप जब संयंत्र लगाते हैं तो उसकी कनेक्शन बिजली के तारों में डाल देते हैं, तो जितनी भी वो ऊर्जा जनरेट होती है वो बिजली विभाग को जाती है, और वही की वही बिजली आपके बिल में एडजस्ट होकर आ जाती है। तो आप ऐसा मानिए कि जिस दर पे आप जनरेट कर रहे हैं, उसी दर का आपको लाभ मिल जाता है। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आप सोलर जो जनरेट कर रहे हैं वो उसकी यूनिट ऐसे और उसकी यूनिट ऐसे, अलग अलग नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है। सौर ऊर्जा क्या व्यवस्था दे सकता है, इसका तो मैं सिर्फ एक अनुमान लगाइए कि सौर ऊर्जा की कोई कमी है ही नहीं। हमें जो कमी पड़ती है वो पड़ती है केवल और केवल ज़मीन की और छत की, और थोड़ी बहुत लोगों में अवेयरनेस ना होने की। और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि इनिशियल कॉस्ट लोगों को इसकी थोड़ी ज़्यादा लगती है। ये चीज़ें यदि हम समझ पाएँ या लोग बाग इससे अवेयर हो जाएं कि इनिशियल कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगी उनकी 2 साल में, तो ये सिस्टम लगभग हर छत पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। बड़े संयंत्रों के लिए हमें ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ज़मीन की ज़रूरत के लिए हम शासन से मांगते हैं कि हमें कोई एक बड़ा पैच हेक्टेयर्स में मिल जाए तो हम वहाँ पर प्लांट लगा लें। देव तालाब में हमें करीबन 560 हेक्टेयर भूमि मिल गई है, हमारी ज़रूरत 1000 की है। कोशिश कलेक्टर साहब ये कर रहे हैं कि और जल्दी से जल्दी आसपास के जुड़े डिस्ट्रिक्ट में या जुड़ी जगह में वो मिल जाए। जैसे ही वो हमारे को 1000 हेक्टेयर मिल जाएगा, हम 500 मेगावाट का प्लांट लगाएं।
लगाने को सब लोग तैयार हैं, लेकिन ज़मीन थोड़ी सी हमें ये परेशानी वाला मामला रहता है।